नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा CPP-1 के कर्मचारियों को उद्यमी प्रयासों के लिए सम्मानित। कोक अवन विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और CPTI में विद्युत सुरक्षा और भारतीय विद्युत नियमों पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के कैप्टिव पावर प्लांट 1 के कर्मचारियों को MATRA मात्रा लेत मशीन के लिए चक के सफल पुनर्निर्माण हेतु सम्मानित किया गया। हाल ही में कैप्टिव पावर प्लांट 1 में आयोजित एक समारोह में उप महाप्रबंधक प्रभारी CPP-1 श्री SK रामा ने CPP-1 के 6 कर्मचारियों को सराहना के प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी और यूनिट कार्मिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री जयंत दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि CPP-1 के मात्रा लेत मशीन जर्मन मॉडल काफी पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता में बाधा आ रही थी। ड्राइविंग गियर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मशीन के चक में प्ले 3 मिलीमीटर तक बढ़ गया था, जो कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। मशीन CPP-1 की निवारक रखरखाव गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए मशीन में समस्या CPP-1 कर्मी समूह के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। टीम में शामिल उप प्रबंधक श्री राजेश कुमार, सभी वरिष्ठ तकनीशियनों श्री PK बॉक्सी, श्री BLENKA, श्री RN पारिडा, श्री MK दास और तकनीशियन श्री BJAINA ने चुनौती को अपने हाथों लिया। उपरोक्त समस्या को ठीक करने के लिए एक नई चक मशीन लाई गई थी, लेकिन इसका मूल एडॉप्टर प्लेट से मेल नहीं खाता था, इसलिए टीम द्वारा घरेलू रूप से एडॉप्टर प्लेट बनाई गई और फिर फिट की गई। टीम के इस प्रयास से न केवल उपकरण की उपलब्धता में वृद्धि की, बल्कि कंपनी के लिए पर्याप्त बचत भी की है। कोकवन विभाग में 28 नवंबर को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक CONCCD श्री बी पटनायक ने समारोह की अध्यक्षता की और वरिष्ठ ऑपरेटर कोकवन श्री फिलिप खालको को अक्टूबर माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। श्री पटनायक ने श्री खालको की निष्ठा और लगातार कड़ी मेहनत की सराहना की और दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि श्री खालको को ए शिफ्ट में 70 कोक साइट ब्लीडर में लगे आग को नियंत्रित करने के लिए सम्मानित किया गया था, जिससे निकट भविष्य में दुर्घटना और उत्पादन हानि को रोका जा सका। इसके अलावा वह टॉर लिकर के रिसाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जो स्पिगॉट पर गिर रहा था और काम करने के लिए असुरक्षित संयोजन पैदा कर रहा था। उपप्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति औरैया ने कार्यक्रम का संचालन किया। CPTI में 4 से 6 दिसंबर तक विद्युत सुरक्षा और भारतीय विद्युत नियमों पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक ENES श्री NC साहू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागी से फीडबैक ग्रहण किया। राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के कुल 17 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सत्रों में शटडाउन प्रक्रियाओं, संचालन और रखरखाव प्रथाओं, विद्युत दुर्घटना के मामले में प्राथमिक उपचार, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, सुरक्षा प्रतीकों का उपयोग, महत्व और विद्युत सुरक्षा उपकरणों के प्रभाव, अर्थिंग पद्धति और बिजली के खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। केस स्टडीज पर भी चर्चा की और प्रस्तुतीकरण किया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के साइट पर परिदर्शन कराए गए सैद्धांतिक इनपुट के अनुप्रयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन पर पहले से बताए गए पाठ्य पर विचार विमर्श किया गया। सत्र को विभिन्न विभागों के घरेलू फैकल्टियों द्वारा संचालित किए गए थे। वरिष्ठ प्रबंधक CPTI श्री PK राउत ने वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर CPTI श्री BK पात्र के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।